हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश स्पेशल के इस क्लास में। ये क्लास स्पेशली यूपीपीसीएस प्री और इसके बाद आरओ प्रीलिम्स मेंस इसके लेकर डेडिकेटेड है। स्पेशली अगर आप देखोगे जो आरओ का जो सिलेबस है उसका जो 10 नंबर टॉपिक है, ठीक है, अगर आप जाओगे वहाँ पर सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस देखोगे तो उसमें 10 नंबर क्रमांक पर यूपी की शिक्षा संस्कृति कृषि उद्योग व्यापार रहन सहन और सामाजिक प्रथाएं नाम से ये पूरा उत्तर प्रदेश का जो टॉपिक है वो दिया गया है। हमें यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश का अभी जो पेपर आरओ का हुआ था फरवरी में, उसमें इन्हीं चार टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। टोटल क्वेश्चन अगर देखे जाए तो 16 क्वेश्चन थे, जिसमें 16 क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड थे और इसके अतिरिक्त 13 क्वेश्चन जो थे वो शिक्षा संस्कृति कृषि उद्योग व्यापार इन सभी से संबंधित थे। तो उत्तर प्रदेश के ये जो टॉपिक्स हैं इनको हमें सबसे पहले अच्छे से कवर कर लेना है ताकि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो मिस ना हो, ठीक है। इसके अतिरिक्त यूपी की ज्योग्राफी हो गई या हमें वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए या पार्क हो गए, ठीक है, या थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स हो गया इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको हम देख लेंगे। लेकिन इन टॉपिक्स को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये सिलेबस में दिए गए हैं। साफ साफ क्लियरली ये बात बोली गई है कि एडुकेशन संस्कृति कृषि उद्योग व्यापार, ठीक है, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब इन टॉपिक्स के नोट्स कहाँ से मिलेंगे, एक साथ कंपाइलेशन कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीज़ों की समस्याएं रहती हैं, तो उन समस्याओं को हम थोड़ा बहुत दूर करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे और हैंडमेड जो नोट्स हैं, ठीक है, जो क्लास नोट्स हैं उनके आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियोज़ के थ्रू, ठीक है। और इनके जो पीडीएफ हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। फिलहाल यहाँ से आप स्क्रीनशॉट के थ्रू या सीधे से आप कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर सकते हैं इन नोट्स को और जो स्पेशली एडुकेशन से रिलेटेड हैं। इसके बाद हम संस्कृति कृषि उद्योग व्यापार इन सभी विषयों पर छोटे छोटे 15-15, 20-20 मिनट के जो वीडियोज़ हैं वो बनाते रहेंगे जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको इधर उधर से नोट्स नहीं लेने पड़ेंगे, यहाँ पर ही आपको एक कंपाइलेशन पूरा मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा। तो पहला टॉपिक हमारा है उत्तर प्रदेश की शिक्षा से रिलेटेड। देखिए इसमें जो जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं मैच द फॉलोइंग्स में कि कौन सा कॉलेज कहाँ पर है, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई, कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है उसकी स्थापना कब हुई, प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्रावधिक शिक्षा टेक्निकल हो गया और विकलांगों के लिए शिक्षा, इसके अतिरिक्त जो प्रौढ़ शिक्षा है चिकित्सा शिक्षा है कृषि शिक्षा है इन सब से संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कहाँ हैं, ठीक है, कृषि यूनिवर्सिटी कहाँ है, ठीक है, वहाँ पर जो इनकी स्थापना है कब हुई है, डीम्ड विश्वविद्यालय कब हैं, टोटल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कब हैं, उनको दर्जा कब दिया गया डीम्ड यूनिवर्सिटी, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि जो एडुकेशन है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो कस्तूरबा गांधी वाले हैं उनका उनकी स्थापना कब हुई, उसमें किस वर्ष से किस वर्ष तक की कन्याओं का एडमिशन होता है, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे शिक्षा के अंतर्गत पूछी जाती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न प्रकार की शिक्षा के माध्यम हैं, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक हो चाहे उच्च हो चाहे टेक्निकल हो चाहे चिकित्सा हो चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे विशेषकर महिलाओं के लिए स्थापित जो शिक्षा संस्थान हैं उनसे संबंधित प्रश्न इस टॉपिक में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि मेयोर सेंट्रल कॉलेज। देखिए मेयोर सेंट्रल कॉलेज कहाँ है, प्रयागराज में इसकी स्थापना की गई थी सबसे पहले सर्वप्रथम 1858 में, ठीक है, तो मेयोर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना प्रयागराज में 1858 में की गई थी। इसके बाद बात करें 1921 में एक माध्यमिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था और 1947 में इसका नाम बदल के रख दिया गया डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा के लिए एक अधिनियम बना था 1921 में उत्तर प्रदेश के लिए जिसका नाम 1947 में चेंज कर दिया गया। इसके बाद 1972 में आते आते प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा निदेशालय इन तीनों को अलग अलग कर दिया गया जिससे कि इन तीनों शिक्षाओं पर हम विशेष तौर पर ध्यान दे सकें। तो प्रदेश सरकार के द्वारा 1972 में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा निदेशालय इन तीनों को क्या कर दिया गया, तीनों को अलग अलग कर दिया गया। प्रदेश में टीचर्स की भर्ती के लिए और शिक्षा के पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए SCERT, इसको इन शॉर्ट में SCERT बोला जाता है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। जैसे NCERT है नेशनल लेवल पे, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, ऐसी राज्य स्तर पर SCERT है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
की स्थापना की गई 1981 में और इसके अंतर्गत कई सारे संस्थान बनाए गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई, 1981 में। तो 1981 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, जब NCERT के तर्ज पर ही एक तरह से देखा जाए तो NCERT की प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापना की गई। इसके अंतर्गत कई सारे संस्थानों की स्थापना की गई, जैसे राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में, दूसरा राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज में इसकी स्थापना की गई, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन ये भी प्रयागराज में स्थापित किया गया और ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, मनोविज्ञान शाला इन शॉर्ट में इसको बोला जाता है, मनोविज्ञान एवं निर्देशन विभाग जिसे मनोविज्ञान शाला बोली जाती है ये कहाँ स्थापित की गई, ये प्रयागराज में स्थापित की गई। राज्य हिंदी संस्थान ये वाराणसी में स्थापित किया गया और आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान ये प्रयागराज में स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सबकी स्थापना 1981 के बाद हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1981 में जो SCERT की स्थापना हुई उसके अंतर्गत इन छह संस्थानों की स्थापना की गई, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मनोविज्ञान शाला हो गया, राज्य हिंदी संस्थान हो गया ये बनारस में, और मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थापित की गई, प्रयागराज में। उम्मीद है इसको आप बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि RO का अभी जो आपने एग्जाम देखा वो एक तरह से फैक्चुअल डेटा था, मैच द फॉलोइंग अगर आप देखोगे जाके तो यूपी के क्वेश्चंस को आप एनालिसिस करोगे तो एजुकेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिखेंगे कि कहां पर किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद बात करते हैं कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, ये वाराणसी प्रयागराज और लखनऊ तीन जगह इनकी स्थापना की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। राज्य शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय ये आगरा प्रयागराज में, और राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ये प्रयागराज रामपुर, दो जगह इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय ये कहाँ है, आगरा में है, और इसके साथ साथ कहाँ है, प्रयागराज में, और राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ये कहाँ है, ये प्रयागराज और रामपुर दोनों में है। अब बात करते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा की, अगर हम बात करें तो प्रौढ़ शिक्षा 1982 में प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की गई कि प्रौढ़ शिक्षकों को शिक्षा देने के लिए, उन्हें साक्षर बनाने के लिए 1982 में प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट शिक्षा एजुकेशन शुरू की गई 1982। तो ये ईयर ध्यान रखिएगा, और 1981 में क्या हुआ, 1981 में SCERT की स्थापना हुई, और 1972 में क्या हुआ, 1972 में प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा इन तीनों शिक्षाओं के लिए अलग अलग निदेशालय की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा इन तीनों की अलग अलग स्थापना कब हुई, 1972 में। प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश को 17 शिक्षा मंडलों में बांटा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितने शिक्षा मंडलों में बांटा गया है, 17 शिक्षा मंडलों में बांटा गया है। आगे देखिए, संस्कृत के विकास के लिए, संस्कृत भाषा के विकास के लिए संस्कृत शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, कहाँ, लखनऊ में। ठीक है, तो संस्कृत शिक्षा परिषद की स्थापना कहाँ की गई, लखनऊ में की गई। ठीक है, संस्कृत भाषा के विकास के लिए। इसी तर्ज पर माध्यमिक स्तर पर संस्कृत के विकास के लिए संस्कृत शिक्षा परिषद की स्थापना की गई लखनऊ में 2017 में। यहाँ देखिए संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ है। ठीक है, यहाँ माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ में इसकी स्थापना की गई है 2017 में। उर्दू भाषा के विकास के लिए उर्दू निदेशालय की स्थापना की गई कब, 1989। तो 1989 में लखनऊ में उर्दू निदेशालय की स्थापना की गई प्रदेश में उर्दू भाषा के विकास के लिए। ठीक है, और 1972 में क्या हुआ, 1972 में तीनों निदेशालय प्राथमिक उच्च और माध्यमिक के अलग कर दिए गए। ठीक है, आ जाइए देखते हैं हम लोग प्राथमिक शिक्षा को स्पेशली, यहाँ पर अलग अलग खंडों में हम देखेंगे, पहले प्राथमिक शिक्षा देखेंगे, फिर उच्च शिक्षा देखेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा, इन सबके बारे में क्या क्या विकास हुआ, स्वतंत्रता से पहले क्या विकास हुआ और स्वतंत्रता के बाद प्रदेश स्तर पर क्या विकास हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, ये याद रखिएगा डेट के अनुसार 25 जुलाई 1972 को इसकी स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 25 जुलाई 1972 को की गई, और जब केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया, तो प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में इसे लागू करने के लिए जुलाई 2011 में एक अधिनियम बनाया और उसके तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया गया। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, जुलाई 2011 में। ठीक है, और ये अधिकार बना कब था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, और प्रदेश सरकार में कब लागू हुआ, उत्तर प्रदेश में जुलाई 2011 में।
प्रदेश सरकार के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना अपना लक्ष्य सुनिश्चित किया। आज भी हमारे प्रदेश में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। अब बात कर लेते हैं स्टेटमेंट वाइज एक क्वेश्चन की कि 2021-22 में प्रति लाख जनसंख्या, मतलब प्रति लाख जनसंख्या पे जूनियर बेसिक की जो विद्यालयों की संख्या है वो प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक है। प्रदेश में किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक है। और सबसे कम किस क्षेत्र में है? पश्चिमी क्षेत्र में कम है। ठीक है, किस क्षेत्र में सबसे कम है? पश्चिमी क्षेत्र में सबसे कम है। अगर पूरे प्रदेश स्तर की बात करें इसी अवधि के दौरान, तो पूरे प्रदेश स्तर पर प्रति लाख जनसंख्या पे 59 जूनियर बेसिक विद्यालय हैं। प्रति लाख जनसंख्या पे कितने विद्यालय हैं? 59 बेसिक विद्यालय। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि पश्चिमी क्षेत्र में अगर हम प्रति लाख जनसंख्या की बात करें तो क्या होगा, बुंदेलखंड का नाम रहेगा सबसे ऊपर, कि बुंदेलखंड में सर्वाधिक प्रति लाख जनसंख्या पे ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा स्कूल हैं। और जब अगर हम बात करेंगे पश्चिमी क्षेत्र में, तो पश्चिमी क्षेत्र में सबसे कम है। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के संबंधित जो प्रमुख योजनाएं हैं कब कब शुरू हुई और किस मंत्रालय के द्वारा, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। समग्र शिक्षा 2018-19 में शुरू की गई, समग्र शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। इसके बाद मीना मंच शुरू किया गया किशोर और किशोरी संबंधी गतिविधियों के लिए। तो मीना मंच किससे संबंधित है? किशोर किशोरी गतिविधियों के लिए। इसके अंतर्गत जो है स्कूलों में छोटे छोटे मेले लगाए जाते हैं बच्चों के द्वारा, खाद्य सामग्री या कोई भी टॉयज वगैरह, हैंडमेड जो है शिल्प का विकास किया जाता है, इस तरह से एक मीना मंच का आयोजन होता है। आगे बात कर लेते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है ये बालिका शिक्षा को प्रमोट करने के लिए बनाई गई और ये आवासीय विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय हैं, और ये 2004 में शुरू किए गए थे। कब शुरू किए गए थे? 2004 में शुरू किए गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2004 में कस्तूरबा गांधी विद्यालय शुरू किए गए। आगे देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रेरणा पोर्टल शुरू किया गया और ये एक डेटा सेंटर है प्रेरणा पोर्टल। ठीक है, तो प्रेरणा पोर्टल एक डेटा सेंटर है और इसके अंतर्गत ये 6 मॉड्यूल में इसकी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। पहला क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फिर कायाकल्प। कायाकल्प के अंतर क्या होता है कि जो आपका प्राथमिक और जूनियर का इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का, बिल्डिंग्स हो गई, फर्नीचर हो गया, ब्लैक बोर्ड्स हो गए, ठीक है, कुर्सियाँ हो गई, ये सारी चीज़ों की, टॉयलेट्स हो गए, वॉशरूम हो गए, इन सभी चीज़ों का विकास देखा जाता है कि बने हैं या नहीं बने हैं, जहाँ बने हैं उनकी मरम्मत ठीक प्रकार से हो रही, सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या जहाँ नहीं बने हैं तो उनका विकास कैसे किया जाए, उनको कैसे बनाया जाए। तो कायाकल्प के अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाता है। तो प्रेरणा के अंतर्गत क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नाम से एक पोर्टल बना है, कायाकल्प में स्कूलों का विकास, प्रेरणा समीक्षा कि बच्चों ने कहाँ तक आपका जो लक्ष्य है, ठीक है, कहाँ कहाँ तक आपकी स्किल्ड को एक्वायर्ड कर लिया है। फिर एसएमसी क्या है, स्कूल मीटिंग होती है, सेंटर है जिसमें ग्रामीण समुदाय और विद्यालय के अध्यापकों द्वारा एक मीटिंग की जाती है मासिक स्तर पे लोग सब लोग पेरेंट्स मीटिंग के तौर पे आप समझ सकते हैं, जहां पर विद्यालय संबंधित जो निर्णय हैं वो लिए जाते हैं और बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बताया जाता है कि बच्चों के अंदर ये अभी प्रॉब्लम्स हैं या यहाँ तक आपका विकास हो गया। इसके साथ साथ ऑनलाइन अटेंडेंस बच्चों की, इसके साथ साथ टीचर्स की, ये भी एक मॉड्यूल है इसमें। और मिड डे मील क्या है, बच्चों को मध्याह्न में पका हुआ भोजन दिया जाता है, इसको MDM बोलते हैं, मिड डे मील। ठीक है, तो ये 6 मॉड्यूल आपके प्रेरणा पोर्टल पे अपडेट होते हैं। इसके आगे आप देखिए ऑपरेशन कायाकल्प, ये 2018 में शुरू हुआ, जैसा मैंने आपको बताया अभी ऊपर प्रेरणा पोर्टल में ही कि ऑपरेशन कायाकल्प 2018 में स्टार्ट हुआ। इसके तहत क्या है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अवसंरचना निर्माण। तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया। आगे देखिए इनफॉर्मल शिक्षा योजना, अनौपचारिक शिक्षा योजना ग्रामीण लोगों के लिए शुरू की गई 1975 में। तो 1975 में अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया, ये 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। और मिड डे मील कब शुरू हुई, मिड डे मील मैंने आपको बताया कि स्कूल के मिड टाइम में, इंटरवल में बच्चों को पका हुआ भोजन
दिया जाता है। ठीक है, तो मिड डे मील 1995 में स्टार्ट किया गया, पहले 33 जिलों में ये शुरू की गई थी और 1996 में ये पूरे देश में शुरू की गई। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आपका समझने का है कि मिड डे मील योजना कब शुरू की गई 1995 में और पूरे देश में कब शुरू की गई। पूरे देश में शुरू की गई 1996 में, तो 1996 में पूरे देश में शुरू की गई। शुरू हुई कब थी 1995 में, जब पूरे देश की बात करें तो 1996 सही होगा। इसके बाद पहले कच्चा भोजन दिया जाता था, ठीक है, मतलब खाद्यान्न दिया जाता था, चावल दिए जाते थे बच्चों को मासिक तौर पे, गेहूं दिया जाता था, ठीक है, ताकि वो घर से बनाकर लाएं। 1 सितंबर 2004 में ये प्रावधान किया गया कि बच्चों को स्कूल में ही पका हुआ भोजन दिया जाएगा। बच्चों को कहाँ दिया जाएगा, स्कूल में ही पका हुआ भोजन दिया जाएगा। ये कब से हुआ, ये 1 सितंबर 2004 से। इसके बाद देखिए शिक्षा मित्र योजना, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में सुधार के लिए संविदा पर शिक्षा मित्र कुछ लोगों की नियुक्ति की गई, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई ताकि शिक्षा में जो टीचर्स की कमी है उसको पूरा किया जा सके। ये कब हुआ, ये सन 2000 में। तो शिक्षा मित्र योजना सन 2000 में शुरू की गई, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद बात आती है आपकी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत ये योजना शुरू हुई 1987 में, ये लिख लीजिएगा 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक हैं, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई और खेल कूद का सामान दिया जाना सुनिश्चित किया गया कि बच्चे खेल कूद का कुछ सामान दिया जाएगा, कुछ उनको पढ़ाई से रिलेटेड जो स्टेशनरी है वो प्रोवाइड की जाएगी। और ये कब शुरू किया गया, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत शुरू किया गया 1987 में। कब शुरू किया गया, 1987 में, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में शुरू किया गया। और इसके तहत प्राथमिक विद्यालयों को पढ़ाई लिखाई और खेल कूद से संबंधित सामान प्रदान किया गया। लास्ट है स्कूल हेल्थ कार्यक्रम। स्कूल हेल्थ कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया। स्कूल हेल्थ कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया गया कि प्राथमिक और जूनियर के बच्चों को जिला के जो डॉक्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति की गई कि हर 6 महीने में बच्चों की हेल्थ का चेकअप किया जाए। बच्चों की हेल्थ का क्या किया जाए, चेकअप किया जाए, और ये प्रति 6 माह में होना चाहिए। ये कब कब होना चाहिए, प्रति 6 माह में। तो स्कूल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया गया कब, प्रति 6 माह में, 2008 से ये कार्यक्रम प्रारंभ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश की जो पूरी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, उसको कवर कर लिया है। ठीक है, या क्वेश्चंस जो बनेंगे वो आपके यहीं से बनेंगे। प्राथमिक शिक्षा जो पूरा टॉपिक था वो हमने यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिया है। अब अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तब हम माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसके नोट्स आपको अच्छे लगे होंगे, बहुत ही इन शॉर्ट्स नोट्स हैं, टू द पॉइंट नोट्स हैं, ताकि आपसे जो एडुकेशन टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत बेहतर ढंग से उसको सॉल्व कर सकें, वहाँ पे क्वेश्चन की कोई गलती ना रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने ऑफिशियल सिलेबस नहीं देखा है तो उस सिलेबस को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए गूगल पे, और वहाँ से सिलेबस को देख लीजिए। स्पष्ट रूप से लिखा है शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाएं। ठीक है, तो यही जो 7 टॉपिक हैं, ठीक, ये 7 टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपको एनालिसिस करनी है तो आप प्रीवियस ईयर का या अभी जो फरवरी में पेपर हुआ है इसको उठाइए और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन आते हैं और देखिए क्या ये वो क्वेश्चन इन टॉपिक से कहीं बाहर तो नहीं है। मेरे विचार से मैंने जो एनालिसिस किया तो उनमें, उन पूरे पेपर में इन्हीं 7 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो सर्वप्रथम आपको इन 7 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना है ताकि जो 13 से 16 या 18 जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा को यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।